हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना फोर्थ लेसन शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतों। अब पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये कविता जो है वो हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जो एक नया सवेरा हमारे देश ने जो लाना है नवयुवकों को उसके बारे में बताई गई है, जिसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। अब गुलामी के समय जो है हम लोग कैसे पिछड़ गए थे और फिर किस प्रकार से हमको इस देश का नया निर्माण करना है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा के सपूतों से कह रहे हैं, वो सपूत मतलब पुत्र, धरा के धरती के पुत्रों से कह रहे हैं, देश के पुत्रों से कभी कह रहे हैं कि तुम उठो और इस देश का जो है पुनर्निर्माण को करना है, नया निर्माण करना है, उसमें जो है कोशिश शुरू करो। जंजल के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जैसे लोग जो है गुलामी में अत्याचार का जीवन व्यतीत कर रहे थे तो काफी डरे हुए थे, तो उनके मन में जो है उनका डर दूर करके और फिर से उनके जीवन में नई स्फूर्ति लाने की कोशिश करो, नए प्राण भरो। प्राण तो उनके अभी भी थे लेकिन फिर भी वो कैसे थे, बहुत ही शिथिल हो गए थे, इसलिए उनके जीवन में जो है एक नया नई प्रेरणा लाने की कोशिश करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। आजादी का नया सवेरा है, तो सवेरा तो पहले भी होता था लेकिन देश आजाद हुआ तो उसमें कवि बता रहे हैं कि एक गुलामी से हम लोग, गुलामी का अंधेरा दूर हो गया है और एक आजादी की नई सुबह हुई है, नया प्रातःकाल हुआ है, तो सब कुछ नयापन हो गया है, इसलिए नया नई सुबह है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी नई बात है। उसमें सूर्य की किरणें भी, सूर्य भी नया है, उसकी किरणें जो है वो दिखाई दे रही है और उसमें से जो प्रकाश है उसमें भी जो है एक नयापन हमको दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में नई नई उमंगें आ रही है, नई तरंगे जो है उनके हृदय में जागृत हो रही है कि हमको क्या करना है। नई आस है, सांस नई, सांस पहले भी थी लेकिन अभी जो है हम स्वतंत्र हैं, नया जीवन जीने के लिए जो है हमें कोशिश करनी है। नई नई आशाएं हैं व्यक्तियों के जीवन में, लोगों के मन में, तो वो देश के युवा लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोगों के मन में एक नया विश्वास लाने की कोशिश करो ताकि हमारा देश जो है फिर से विकास कर सके। युग युग के मुझे सुनों में नई नई मुस्कान भरो। कई युगों से जो हम लोग गुलाम थे, गुलामी का जीवन बिता रहे थे, तो सबके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं, तो ऐसे मुरझाए हुए चेहरों में जो है, क्योंकि अंग्रेज जो है हम पर अत्याचार करते थे और अत्याचार से दुखी होते थे सब लोग, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि दुखी चेहरों में, मुरझाए हुए चेहरों में जो है फिर से नई मुस्कान लाने की कोशिश करो। डाल डाल पर बैठ लिया कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मास्तुधर मंडराते हैं। देखो पहले पेड़ पौधे पहले भी थे, प्रकृति पहले भी थी लेकिन सब जो है एक तरीके से गुलामी का जीवन बिता रहे थे, तो अभी कवि बता रहे हैं कि हर एक डाल पर जो पक्षी बैठे हैं वो उनके जो स्वरों में है वो बहुत नवीनता आ गई है, उनके गीत जो है चहचहाना जो है पक्षियों का वो बिल्कुल नया हो गया है, और गुनगुन गुनगुन करके जो भौरे हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर जो जा रहे हैं तो उनके गुनगुनाने में जो है एक नई नवीनता आ गई है। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग क्यों, इस देश के लोगों में जो है वीणा में जैसे तार छीनते हैं तो एक गीत जो है हम उसके ऊपर गाते हैं, वैसे ही जो है लोगों के मन के जो है तार हैं जो खुशी के हैं उसमें जो है उनको एक नया गीत डालना है, मतलब उनके मन में नई आशा का संचार करना है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। देखो प्रकृति के बारे में बताया है कि कलियां और फूल तो जब वह फूलाम थे तब भी खिलते थे लेकिन अब जो है वो प्रकृति में भी जो है एक नया जीवन आ गया है, सभी जगह जो है फूल खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कलियां जो है फूल बन गई हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, धरती में चारों तरफ हरियाली फैल गई है। धरती की काया मतलब होता है देह शरीर, तो धरती का शरीर क्या हुआ कि मैदान में जो धरती फैली हुई है वो उसमें भी एक नयापन दिखाई दे रहा है, वो भी जो है हरियाली छा गई है सब जगह। नूतनमय नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग जान करो, तुम्हें जो है एक मंगलमय ध्वनिया जो है सभी जगह छेड़ना है जिससे कि सारा जग सारा संसार जो है वो गुंजायमान हो जाए, सभी जगह जो है तुम्हारे विकास के स्वर प्रगति के स्वर जो है चारों तरफ गूंजने लगे। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी, देखो इस पैराग्राफ में बताया है कि जो अनपढ़ लोग हैं उस समय तो बहुत सारे लोग अशिक्षित थे, तो तुम्हें जो है नवयुवकों से कह रहे हैं कि तुम्हें जो है उन्हें ज्ञान सिखाना है, ज्ञान देना है, तो सरस्वती का पावन मंदिर मतलब तुम ही ज्ञानवान हो तो ये एक संपत्ति है तुम्हारे पास, तुम्हें इसका उपयोग करना है और लोगों को ज्ञानवान बनाना है ताकि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें
और हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो सभी को जो है ज्ञानवान बनाना है, मतलब अज्ञान का अंधेरा दूर करके लोगों के जीवन में जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। वो ज्ञानवान होंगे तभी उन्हें जो है अच्छे बुरे का विवेक जो है उनके अंदर आएगा, अच्छे बुरे की पहचान आएगी और तभी जो है वो अपने देश का विकास प्रगति कर सकते हैं। शशर दीपक जला ज्ञान, कई सौ दीपक उनको ज्ञान के जलाना है जिससे कि चारों तरफ उजाला फैल जाएगा और तुमको एक नए युग का की ललकार बनना है, एक नए युग का आह्वान करना है। उठो धरा के इसलिए तुमको जो है फिर से देश का नव निर्माण करना है। तो यहाँ हमारी पोयम खत्म होती है। इसमें आपको सबसे पहले CW में जो है ये पोयम 2 times लिखना है, उसके बाद फिर ये शब्दार्थ है शब्दार्थ लिखना है, फिर आपको PDF आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक के, तो उसमें जहां पर भी आपको CW लिखा हो वो जो है आपको CW में लिखना है और सेम जो है HW करना है। फिर एक और यहाँ पे दिया है भाषा सभ्यता, जो आपने पहले लेसन में पढ़ा था, तो भाषा सभ्यता में पेज नंबर 26 और 27 ये जो है ये आपको ग्रामर के नोट में लिखना है, जैसे मैंने पिछले लेसन में लिखा है कंपोजिशन जब आएगा तब लिखना है, लेकिन ग्रामर पोर्शन अभी आपको